लेकिन सवाल यह है सुमंत कि केवल ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश से आप इसकी सियासी अहमियत नहीं नाप सकते, आपको आसपास के स्थानीय लोगों से भी बात करनी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी वेस्ट यूपी के दूसरे लोगों से भी, वो क्या सोचते हैं इस एयरपोर्ट के बारे में। आप जहां हैं बताइए उस वक्त वहां लोगों का क्या कहना है, और आज जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसको लेकर उनका जोश कितना हाई है। देखिए गौरव, मैं यहाँ पे हूँ जो यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे अगर आप जेवर की तरफ जाएंगे यही वो महत्वपूर्ण कट है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको लोग तो नहीं दिखाई देंगे क्योंकि सुरक्षा कारणों से किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। आप देखेंगे कि लगातार यहाँ जो प्रशासनिक अमला है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं उनके गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है। देखिए यूपी सरकार के एक अधिकारी आए हैं, लगातार यहाँ सुरक्षा के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो यही वो पॉइंट है कि अगर आप ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे गौरव, तो यही वो सबोटा कट है जिससे कट से होते हुए सीधे एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरी तस्वीर भी मैं दिखा दूं कि गौरव पूरे इस पूरे मार्ग पे जैसे यमुना एक्सप्रेस वे से आप आगे बढ़ेंगे तमाम जगहों पर आपको भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं, पोस्टर हैं। ठीक है सुमंत, आप तस्वीरें दिखाते रहिए लेकिन सीधे चलते हैं। इस वक्त अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं। अभिषेक, किसान आंदोलन एक बड़ी यहाँ पर दुखती रग रही बीजेपी के लिए। तीनों कृषि कानूनों की वापसी अभी हाल ही में हुई है, वेस्ट लैंड या कहें वेस्ट यूपी या कहें जाट लैंड की सियासत को मापने का एक बहुत बड़ा जरिया इसको माना गया, तो क्या उन कृषि कानूनों की वापसी के बाद आज जेवर में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास क्या एक बहुत बड़ा सियासी दाव बीजेपी की तरफ से चुनावों को लेकर? देखिए इसमें दो राय नहीं है कि इससे एक नैरेटिव चेंज करने में बीजेपी को लगता है कि आसानी होगी और ये नैरेटिव होगा डेवलपमेंट का नैरेटिव। अब ये नैरेटिव कितना चलेगा ये तो इलेक्शन बताएगा, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर किस तरह से पूरा एक गैलरी लगाई गई है और इस पूरी गैलरी में आपको जगह जगह दिखाई पड़ेगा कि क्या क्या इसमें झांकियाँ हैं, क्या क्या झलकियाँ हैं। और देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक एक टोली बैठी हुई है और ये टोली यहाँ पर प्रधानमंत्री के आने पर कार्यक्रम करने के लिए बैठी हुई है, और यहाँ देखिए ढोल ताशे बजना शुरू हो गए हैं। कहाँ से आए हैं? मथुरा से आए हैं। कार्यक्रम क्या क्या कार्यक्रम है? मयूर नृत्य। अच्छा, कितनी सारे लोग वहीं से आए हैं? सभी मथुरा से। अच्छा बजा रहे हैं? बजेगा, ये तो मथुरा वाली टीम है। कुछ गाना ना भी है। गोवर धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकट विराज रे, तेरे माथे मुकट विराज रे, तेरे माथे मुकट विराज रे। श्री गोवर धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकट विराज रे। अब जो बाहर से आएगा, मथुरा आना आसान, एयरपोर्ट से यहीं उतरे और सीधे यहीं से टैक्सी पकड़ी मथुरा। बहुत जोर का काम हो रहा है, जोरदार काम हो रहा है। बहुत जोरदार काम, इसीलिए इतने खुश दिख रहे हैं। पत्र तो देव, जय जय श्री गोवर्धन नाथ की जय। ये देखिए गौरव, ये यहाँ पर पूरी सांस्कृतिक टोली बैठी हुई है और प्रधानमंत्री के आते ही ये सारे कार्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे। गौरव बिल्कुल, अभिषेक मैं आता हूँ आपके पास। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।